मैं हूं रामप्रकाश राय राजस्थान कांग्रेस में जो बवाल पिछले दिनों शुरू हुआ था उस पर अभी वो बवाल थमा नहीं है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो खींचतान है वो खींचतान अभी लगातार चल रही है, जारी है और इस खींचतान ने आला कमान को बिल्कुल त्रस्त करके रखा हुआ है आला कमान की नाक में दम कर रखा है दरअसल राजस्थान से अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जो कांग्रेस पार्टी के वहां पर प्रभारी थे जो अजय माकन अजय माकन ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है अजय माकन अब राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी का पद छोड़ना चाहते हैं हालांकि इसके लिए एक हफ्ते पहले ही वो आलाकमान को चिट्ठी लिख चुके हैं पर ये खबरें अब आ रही हैं दरअसल अजय माकन ने अपने कांग्रेस पार्टी के प्रभारी पद का जो राजस्थान का प्रभार है उसको छोड़ने के पीछे 25 सितंबर के घटनाक्रम का जो 25 सितंबर को वहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम हुए उसका हवाला दिया है वो उसी घटनाक्रम के चलते राजस्थान के प्रभारी का पद वो छोड़ना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बड़ा बवाल हुआ चूँकि जब कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत गांधी परिवार के नज़दीकी हैं और गांधी परिवार चाहता है कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अशोक गहलोत ने इसके लिए बाकायदा अपने लिए जो वोट इकट्ठा करने की बात थी ये सारी चीज़ें भी शुरू की हालांकि वो बार बार ये दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी को मनाने का काम करेंगे पहले उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए इसके लिए वो राहुल गांधी को मनाने भी गए ये सारे घटनाक्रम चल रहे थे इस बीच जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते गए वैसे वैसे राजस्थान में सियासी घटनाक्रम तेज़ी से बदले अशोक गहलोत एक तरफ जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे वहीं दूसरी तरफ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद भी नहीं छोड़ना चाहते थे इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक बयान भी दिए दरअसल कांग्रेस पार्टी में जो एक व्यक्ति एक पद का नियम जो चलना था जो उदयपुर शिविर में तय हुआ था उसके हिसाब से अशोक गहलोत या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते या फिर मुख्यमंत्री रहते अशोक गहलोत ने हालांकि ये बात कह दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कि ये एक व्यक्ति एक पद वाले नियम जो है वो लागू नहीं होते हैं पर इसके कुछ ही दिनों के बाद राहुल गांधी का एक बयान आता है राहुल गांधी ने इस बयान में बिल्कुल स्पष्ट किया कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके समर्थन में है कि एक व्यक्ति के पास एक पद रहेगा ऐसे में अशोक गहलोत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी अशोक गहलोत ने चूंकि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तो फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद उन्हें छोड़ना पड़ता दूसरी ओर सचिन पायलट वहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए जोर शोर से उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी ये भी माना जा रहा था जो सचिन पायलट के समर्थक थे वो ये पूरी तरीके से मान रहे थे कि जब अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर सीएम के तौर पर सचिन पायलट की ताजपोशी तय है पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बहुत तेजी से वहाँ पर नए नए हालात बदले राजनीतिक घटनाक्रम कई सारे देखने को मिले जिसके चलते कांग्रेस आलाकमान ने अजय माकन को राजस्थान में पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए थे अजय माकन को वहाँ पर जाकर के विधायकों से मिलना था विधायकों के साथ बैठक करनी थी और विधायकों को इन सब चीज़ों के लिए तैयार करना था पर वहाँ पर जो हुआ वो बिल्कुल अलग था जब अजय माकन राजस्थान पहुंचे तो अजय माकन से विधायक मिलने के लिए नहीं आए वो वहाँ पर कई सारे घटनाक्रम हुए अशोक गहलोत अशोक गहलोत के जो समर्थक विधायक थे उन्होंने एक वरिष्ठ सीनियर विधायक के यहाँ सीनियर कांग्रेस नेता के यहाँ बैठक की और सभी विधायकों को वहाँ पर इकट्ठा किया अजय माकन ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और सोनिया गांधी को सौंपी सोनिया गांधी को जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी उसमें उन्होंने बताया कि अशोक गहलोत जो राजस्थान में घटनाक्रम हुए उसके लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार नहीं है बल्कि उनके समर्थक तीन जो वरिष्ठ नेता हैं उनको उन्होंने उसके लिए जिम्मेदार माना बाद में उसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया हालांकि इसके बाद उन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई इतना ही नहीं खबर ये भी आ रही है कि जिन नेताओं की शिकायत अजय माकन ने की थी उन्हीं को राजस्थान में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है जिस बात से आहत अजय माकन अब राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर जो उनकी जिम्मेदारी है उससे वो मुक्त होना चाहते हैं साथ ही उनका कहना यह है कि वो दिल्ली में संगठन को और मजबूत करने का काम करना चाहते हैं इसीलिए वो राजस्थान का प्रभार जो है छोड़ना चाहते हैं उधर ये जो सारे घटनाक्रम हैं जब इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ था उसके बाद जब दस जनपद पर अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने इस इस पूरे घटनाक्रम के लिए सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी थी इसके साथ ही साथ उन्होंने बतौर प्रभारी अजय माकन की शिकायत भी की थी दरअसल अजय माकन पर राजस्थान में ये आरोप लगा था कि वो सचिन पायलट के फेवर में एक लाइन एक लाइन एक लिखी हुई लाइन पर सभी विधायकों का समर्थन चाहते हैं सभी विधायकों के उस पर दर्शक करा लेना चाहते हैं इसका मतलब ये था कि अजय माकन पर ये आरोप था कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही राजस्थान गए हैं पूरी तरीके से सचिन पायलट का समर्थन कर रहे हैं तो इन सब से आहत अजय माकन अब राजस्थान के प्रभार का पद छोड़ना चाहते हैं वहीं इनका जो ये पत्र आया है वो ऐसे समय में आया है जब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है दिसंबर के पहले हफ्ते में अगर पाँच दिसंबर को राजस्थान के झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी इसके अलावा राजस्थान में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है तो ये ऐसे समय में अजय माकन की ये जो चिट्ठी है वो कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान की कांग्रेस में क्या अब भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है इतना ही नहीं उधर मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद भी किसी के ऊपर कार्रवाई न होने के चलते सचिन पायलट का खेमा पहले ही नाराज चल रहा है सचिन पायलट के खेमे की बार बार ये मांग है कि कांग्रेस आला कमान को जो उस समय सारे घटनाक्रम हुए उस घटनाक्रम में जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी इसके विपरीत कांग्रेस की तरफ से उन नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है इतना ही नहीं ये चिट्ठी ऐसे समय में आई है जब सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की तैयारी में लगे हैं तो कुल मिला राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ये सवाल इस सवाल भी है और साथ ही साथ जवाब भी मिल रहा है लोगों को कि किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस में जबरदस्त बवाल जो चल रहा था वो अभी भी चल रहा है उसको वो खत्म नहीं हुआ है तो कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं ऐसे में देखना होगा कि अजय माकन की इस चिट्ठी और इस चिट्ठी से बनते बिगड़ते जो समीकरण है उससे भारत जोड़ो यात्रा पर क्या असर पड़ेगा और भारत जोड़ो यात्रा की जो तैयारियां हैं उसका उस पर क्या असर होगा साथ ही साथ क्या नए समीकरण राजस्थान कांग्रेस में बनते और बिगड़ते हैं बने रहिए है हमारे साथ धन्यवाद